वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, और ये बहुत ही आसान और सबसे सस्ती रेसिपी है, पोटैटो पिन व्हील्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया था। मैंने एक कप फ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून सूजी ली थी, और इसको मैंने पानी के साथ मीट कर लिया था। वो वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी जो क्लिप था वो मिसप्लेस हो गया, मैंने गूंदना जिसमें बताया था, तो ये इसी तरह से ही बस सिंपल जैसे रोटी गूंदते हैं ना डेली बेसिस की, बस वैसे इसको गूंदना है। मैदा लेना है और सूजी लेनी है, 2 टेबलस्पून सूजी लेनी है, 1 कप मैदा लेना है, और उसको पानी के साथ मीट कर लेना है। ये आलू है, मैंने 3 बड़े आलू ले लिए थे, और 3 बड़े आलू को अच्छी तरह से मैश करके, तो इसके अंदर जो है मैं मटर डालूंगी, मटर को अच्छी तरह से मैश कर लें। अगर आप मटर नहीं डालना चाहते तो आप मटर ना डालें, मटर की जगह आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत सा लगता है वो पिन व्हील जो है जब इसमें से ग्रीन कलर नज़र आता है। आप इसको मैदे के अंदर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको इवन जो रोटी घर में हम लोग बनाते हैं डेली बेसिस पे जो आटा गूंदा होता है, बस वो वाला पेड़ा आप ले एक लें, उसके अंदर इस तरह से ये फिलिंग करें, और जिस जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से रोल करके तो आप वो भी बना सकते हैं। ये आटे से भी बन सकता है, बल्कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप आटा ही यूज़ करें बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं। और ये लंच बॉक्स के लिए इतनी अच्छी रेसिपी है ना, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। अच्छा, ये चिकन मेरे पास लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था रात का, तो मैंने उसको भी जो है श्रेड करके, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें। ग्रीन चिलीज़ कट करके छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी कट करके मैंने डाली। कसूरी मेथी मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है, या इट्स इंटायरली अप टू यू, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज मिक्स कर दें। मैंने सॉल्ट डाला है इसके अंदर, ये सब अपना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। आप जितने भी ये स्पाइसेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। रेड चिलीज़ हैं, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, वट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी डालना चाहें यू कैन ऐड। और ये इसका मिक्सचर बन गया। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, सिरका या लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो फिलिंग है ये बहुत आसान, इवन मेरी वीडियो देखते देखते ही आप अपनी जो है ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। आलू तो सबके घर में ही मौजूद होते हैं, और इसको बना के मैं बताऊंगी किस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद सुबह उठें और बस इसको फ्राई किया और बच्चों को दे दिया, इसमें लंच बॉक्स में बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बना रही हूँ, इसके अंदर हमने कोटिंग करनी है इसकी। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उसको पानी के साथ अच्छी तरह से नीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर नमक और काली मिर्च भी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको बहुत पतला आपने जो है बैटर बनाना है इसका, क्योंकि इसके अंदर हम वो जो पिन व्हील्स हैं उसको कोट करेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो आलू बाहर ना निकले उसके। तो ये जो बैटर है मैं ये तैयार कर रही हूँ, और ये बहुत पतला होना चाहिए, थिक होगा तो वो उसकी जो लेयरिंग है पिन व्हील की वो छुप जाएगी। अच्छा, ये जो था मटेरियल था जो उसके अंदर मैंने ऐड करना है, और एक जो था उसके ऊपर जो कोटिंग करनी है ये वो थी मैदा। 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उसको पानी के साथ पतला, उसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए। और इवन आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप जो हैं चाय, इधर चाय रखिए इस तरफ, आलू बॉईल करके आप रखें अपने घर में, फटाफट जो है उसको मैश किया और आटा निकाला। आटा तो सबके घर में गूंदा पड़ा ही होता है, आटे की रोटी बनाई और उसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करके, तो आगे मैं मेथड बताऊंगी किस तरह से करना है। ये मैंने तो मैदे की रोटी ली है, मैदा को इस तरह से बेल के अच्छे तरीके से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गोल ही रोटी हो, आप इसको लंबाई में जो है ज़्यादा बेलें, और ताकि ज़्यादा अच्छे बड़े पिन व्हील्स बन सकें, वरना वो बहुत छोटे से पिन व्हील बनेंगे। तो ये इसका मटेरियल है जो मैं अंदर इसको डालूँ। इवन आप कोई भी मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी लेफ्ट ओवर फूड, जैसे आप आलू गाजर मटर बनाई हुई है जो मिक्स सब्ज़ी बनती है घरों में, आप वो भी उसको मैश करके अच्छे तरीके से वो आप ऐड करके, तो इस तरीके से आप उसको पिन व्हील्स में बना सकते हैं। तो कोई भी मीन्स चिकन की कोई फिलिंग है, आप चिकन की फिलिंग ऐड करके, तो आलू ऐड करना मस्त है, क्योंकि चिकन की फिलिंग अगर खाली होगी तो वो निकलेगी बाहर, फिर वो फ्राई करने में ऑयल को ख़राब करेगी। तो कोई ऐसा मटेरियल आप इसमें डालिएगा जो चिपक जाए। मैंने वैसे पिज़्ज़ा पिन व्हील्स भी बनाना बताए हैं, वो मेरी एक रेसिपी जो बहुत पहले मैंने अपलोड की थी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी इसी तरह से मैंने बनाए थे, लेकिन वो सारा मटेरियल उसका पिज़्ज़ा का था, तो उसको फ्राई नहीं करते, उसको बेक करते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। अब इस तरह से आपने इसको रोल करना है, इसका ये मेथड है, आप ऐसे रोल कीजिएगा इसको, और ज़्यादा सारा मटेरियल जो है अंदर आप ऐड करेंगे।
तो फिर ये बड़ी शेप आएगी और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। मैंने और ज़्यादा इसमें आलू का मटेरियल ऐड किया, मैं इसको रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इवन गेस्ट कोई आ जाए तो चाय आप सर्व कर रहे हैं, इधर चाय आपने बनने के लिए और उधर आपने फटाफट आलू को मैश किया और उसका मटेरियल तैयार कर दिया, अंदर फिलिंग की और इस तरह से रोल किया इसको, और देन इसको जो है इसमें बैटर में लगाए और देन फ्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है जब आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको देते हैं। मैं तो इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, या इस स्टेज पे आपने ये बनाया और इसको फ्रीज़ करके रख लिया, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज फ्रीज़ होती है ना, और उसके बाद उसको निकाला और गर्म ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लिया, इसी तरह से इसको भी उधर से निकालें, आप फ्रीज़र में से निकालें, बैटर बनाएं, फिर बैटर बना के उसके अंदर कोट करें, चाहे वो जमा हुआ है ये जो है फ्रीज में से, जब आप इसको निकालेंगे तो बैटर में इसको कोट करें और इसको फ्राई कर लें। ये है बैटर और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें मैंने कितना पतला इसको किया हुआ है। थिक करेंगे तो फिर ये जो आपको अंदर से लेयरिंग नज़र आ रही है इसकी, ये छुप जाएगी। वैसे मैंने एक दो वेरिएशंस इसके अंदर बताई हैं आपको, एक वेरिएशन तो इसकी और दूसरी वेरिएशन जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने बताया, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नगेट है, नगेट बन गया। तो इसको जो है इस तरह से बिल्कुल ज़्यादा तेज़ फ्राई ऑयल भी नहीं होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से इसको कोट किया, पतला बैटर है दैट्स वाई उसके अंदर से उसकी लेयरिंग नज़र आ रही है। अगर ये थिक बैटर होगा तो वो बैटर ही नज़र आएगा ऊपर से, फिर अंदर की थिक लेयरिंग नज़र नहीं आएगी। ऐसे इसको फ्राई करने के लिए रख लिया। इसको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स जो है वन साइड पे लगते हैं मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट्स अदर साइड पे लगते हैं और ये रेडी हो जाता है। पर रोटी इतनी पतली बेलनी है, मोटी थिक बेलेंगे रोटी तो वो अच्छा नहीं लगता, उसकी खूबसूरती नहीं आती। रोटी जितनी पतली, और रोटी इतनी पतली है, आलू तो वैसे ही बॉयल्ड है, रोटी इतनी पतली है तो वो फटाफट जो है रेडी हो जाता है। 2 मिनट्स वन साइड पे, 2 मिनट्स अदर साइड पे इसको दें तो 4 मिनट्स में जो हैं ये रेडी हो जाते हैं। सुबह के वक्त भी जब आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो बिल्कुल भी 4 मिनट्स में उधर रेडी हो जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैंने इसकी सेकेंड वेरिएशन भी दिखाई हुई है इसके अंदर, इस तरह से आप इसकी कोटिंग भी करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। जो सेकेंड वेरिएशन है वो है आप इसको कोट करें अंडे में, वो बिल्कुल नगेट के ऐसे लगते जैसे नगेट बनाया आपने, नगेट बना के बच्चों को जो है वो उस तरह से भी आप दे सकते हैं, वो पोटैटो नगेट्स हो जाएंगे। लेकिन ये है कि ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सब देखिए कितनी प्यारी लेयरिंग, स्क्वायर लेयरिंग आ रही है इसके अंदर और कितना साफ नज़र आ रहा है। तो अगर कोई थिक बैटर होगा तो उसमें वो लेयरिंग छुप जाएगी। ये जो मैं सेकेंड वेरिएशन बता रही हूँ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है लेयरिंग छुप जाती है। इसको पहले अंडे में कोट किया, अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये इसकी सेकेंड वेरिएशन है, एक फर्स्ट वेरिएशन हुआ थी, सेकेंड वेरिएशन ये है। इसके अंदर अंडे के अंदर कोट करने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करें, और ब्रेड क्रम्स में जब कोट होता है तो फिर इसकी जो शेप है वो छुप जाती है, फिर वो ऐसे लगता है जैसे ये एक नगेट की शेप में आ गया। मेरी जो फ्लेम है चूल्हे की वो मैंने बहुत स्लो रखी हुई है, आप इतनी स्लो मत रखिएगा, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे या थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे इसको आप कुक करें, और इस पर गोल्डन कलर नहीं आता, बस इसको इतना कुक करना है कि इसकी जो रोटी है वो पक जाए, वो फ़ौरन ही पक जाएगी क्योंकि इतनी पतली बेली हुई है रोटी, उसको इतना टाइम नहीं लगता, वो फ़ौरन से रेडी हो जाती है। ये रेसिपी एज अ स्नैक बहुत बहुत प्यारी रेसिपी है और बहुत झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी से 4 to 5 मिनट्स लगते हैं इसको फ्राई हो जाती है, और उससे पहले भी मटेरियल बनाने में भी कोई इतना टाइम नहीं लगता। अगर आलू बॉईल हुए हुए पड़े हुए हैं घर में तो जैसे ही गेस्ट आया इवन आप 15 मिनट्स में ये रेसिपी जो है रेडी कर सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गए हैं और कितने खूबसूरत जो हैं ये लग रहे हैं, अगर तो थिक कोटिंग होगी तो अंदर की सारी लेयरिंग छुप जाएगी। अच्छा, वो जो सेकंड वेरिएशन मैंने की थी मैंने वो भी ऑयल के अंदर डाल दिया, उसको ब्रेड क्रम्स ऊपर जो मैंने लगाए थे अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगाए थे, देखिए कितनी खूबसूरत लेयरिंग उसकी आई हुई है।
अच्छा, इसको फुल तेज़ आंच पे ज़्यादा देर भी कुक नहीं करना, वरना वो जो आलू नज़र आ रहे हैं ऊपर से वो सब जल जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, ये सेकेंड वेरिएशन, ये बिल्कुल नगेट की शेप आ गई है इसकी, ऐसे लग रहा है जैसे नगेट्स फ्राई किए हैं। अब इसको आप जैसे मर्जी प्लेटिंग कर लें, मैंने तो बस इस तरह से, मेरे पास ये पत्ते शेप की ग्रीन कलर की प्लेट थी, मैंने इसके अंदर इसको ऐसे प्लेटिंग की है, और जो है वो नगेट भी मैंने साथ रखा है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, मायोनीज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्रीम चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये नगेट की शेप, बिल्कुल नगेट की शेप लग रही है ये, है ना। तो आप ये दो वेरिएशन हैं, एक वेरिएशन आप ये कर सकते हैं, एक वेरिएशन आप ये कर सकते हैं। और वो जो केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये थी मेरी आज की रेसिपी, होप सो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकूँ। आज के लिए इतना ही है, मेरी स्नैक की फर्स्ट रेसिपी थी। इवन इससे पहले मैंने एक पिन व्हील पिज़्ज़ा, पिन व्हील की भी रेसिपी सेम ऐसे ही है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए किया करें। और आज के लिए भी इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।